हेलो नीट एस्पिरेंट, मैं हूं मोहम्मद नूरालम अली, एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डिब्रूगढ़। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नीट टेस्ट सेशन के आज के वीडियो सॉल्यूशंस में। हमारे नीट टेस्ट सीरीज के हर एक सेशन में आपको 30 चुने हुए क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि नीट के लिए हाईली प्रोबेबल है, और इस वीडियो सॉल्यूशंस में हम आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑप्शंस को भी क्विकली एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन के साथ साथ उस टॉपिक का भी एक क्विक रिवीजन हो जाए। हैप्पी लर्निंग। फ्रेंड्स ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा, इट विल स्पेशली इंक्लूड द ग्रुप्स ऑफ एनिमल बिलोंगिंग टू रेप्टाइल्स। सो लेट अस स्टार्ट। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स कॉन्टेन्स, मतलब इसमें रेप्टाइल का हार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेप्टाइल का हार्ट क्या होता है? यह एक्चुअली थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट एक एक्सेप्शन भी है क्रोकोडाइल, पर क्रोकोडाइल को छोड़ के जो रेप्टाइल्स का हार्ट है वो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। वो कुछ ऐसा होता है कि जिसमें क्या होगा, देयर विल बी टू ओरिकल, दिस इज लेफ्ट ओरिकल, दिस इज राइट ओरिकल, एंड देयर विल बी ए वेंट्रिकल। इट मीन्स इसका क्या होगा, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा, एक दो एंड दिस इज थ्री। तो ऑप्शन से विच विल बी आवर आंसर, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। तो इसके लिए हम एक बार एनसीईआरटी रेफर करते हैं। तो लेट अस सी द एनसीईआरटी। यस, जैसे कि हमने अभी भी कहा कि इसमें क्या होता है, यूजुअली इट विल यूजुअली हैव ए थ्री चैम्बर्ड हार्ट, बट फोर चैम्बर्ड हार्ट किसमें होगा, क्रोकोडाइल्स में। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, थ्री चैम्बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूल्स फाउंड इन। ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि दिया है कि मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स, ये सारे क्या होता है, रेप्टाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब ऑल दिस कैरेक्टर्स आर आइडेंटिफाइंग, और द इट कैन बी आइडेंटिफाइड ए रेप्टाइल्स बाय द ऑल दिस कैरेक्टर्स। इसके लिए हम एक बार एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी में भी ये सारे कैरेक्टर्स मेंशन करके रखा है। तो लेट अस सी द एनसीईआरटी फर्स्ट। लाइक इसमें दिया हुआ है कि दे आर मोस्टली टेरेस्टेरियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। तो एनसीईआरटी में भी ये सारे कैरेक्टर्स दिया हुआ है, ये किस में है, रेप्टाइल्स का कैरेक्टर्स है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, रेप्टाइल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन, यूरिकोटेलिज्म दिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच एनिमल्स गेट रिड ऑफ देयर एलिमिनेटेड मेटाबॉलिक और एक्सक्रेटरी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो कि लिस्ट टॉक्सिक होता है, तो इसमें क्या होता है, वाटर का रिक्वायरमेंट भी लिस्ट चाहिए, मतलब लिस्ट वाटर से भी मतलब यूरिक एसिड के थ्रू मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट किया जा सकता है। तो इस टाइप का एक्सक्रेशन किस में मिलेगा हमें, जो कि जिन एनिमल मतलब पानी में नहीं रहेगा, मतलब जो टेरेस्टेरियल होगा, लाइक बर्ड्स। बर्ड्स क्या होता है, बर्ड्स देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, तो पानी के मतलब स्कैर्सिटी के लिए बर्ड्स में भी क्या होता है, यूरिकोटेलिज्म शो करते हैं बर्ड्स, यूरिकोटेलिज्म। सिमिलरली रेप्टाइल्स जो कि पानी में रहते हैं, और उन लोगों को छोड़ के जो लैंड रेप्टाइल्स होते हैं, लैंड रेप्टाइल्स में भी क्या होता है, यूरिकोटेलिज्म। एंड देयर इज इंसेक्ट्स में भी क्या होता है, यूरिकोटेलिज्म, मतलब क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड दे गेट रिड ऑफ देयर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्लास रेप्टिलिया। लेट अस रीड द ऑप्शन, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल एंड एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स। तो यस, दिस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, all these characters mentioned in option number A are in NCERT, so we will refer. Then coming to option B, marine habitat endoskeleton is cartilaginous and have placoid scales. So
एज वी नो रेप्टाइल्स में क्या होता है, जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी एंडोस्केलेटन होता है, वो कार्टिलेजिनियस नहीं होगा। तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सी में क्या है, फ्रेश वाटर हैबिटेट, बोनी एंडोस्केलेटन एंड एयर ब्लडर फॉर बायंसी। तो रेप्टल्स में क्या होता है, रेप्टल्स में एयर ब्लडर स्पेशली एयर ब्लडर बायंसी के लिए डिज़ाइन नहीं होता है। एयर ब्लडर किस में होता है, जो मतलब बोनी फिशेस होता है, मतलब ऑस्टिक्थिस में क्या होता है एयर ब्लडर पाया जाएगा मतलब बायंसी के लिए, बट रेप्टल्स में ये फीचर एब्सेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो गया। कमिंग टू ऑप्शन डी, मोइस्ट स्किन एंड बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड एयर इज रिप्रेजेंटेड बाई द टिम्पेनम। सो एयर टिम्पेनम, टिम्पेनम विल रिप्रेजेंट एयर, ये सही है, बट इसमें क्या है कि मोइस्ट स्किन, मोइस्ट स्किन इज़ नॉट द कैरेक्टर ऑफ रेप्टाइल। मोइस्ट स्किन कहाँ मिलेगा, ये एम्फीबियंस में मिलेगा। एम्फीबियंस में स्केल एब्सेंट होगा और स्किन जो होगा वो मॉइस्ट होगा, बट इसमें दिया है कि रेप्टाइल्स में मॉइस्ट स्किन होगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो डी नंबर ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा। तो जो इसमें क्या हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल एंड एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एयर्स। तो इसको हम एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं। तो हालांकि आंसर जो है वो आंसर करेक्ट आंसर विल बी ए, बट फिर भी हम एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं। एज यू कैन सी यार क्लियरली मैंशन डेट दियर बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल एंड स्क्यूट्स, एंड दे आर मोस्टली टेरेस्टेरियल एनिमल्स। सो येस, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली मैच्ड पेयर्स। हमें मैचिंग करना है इसमें। वन नंबर दिया है कि सी अर्चिन। तो सी अर्चिन क्या होता है, दिस इज एकाइनोडर्म्स, और दिया हुआ कि पैराबोडिया। पैराबोडिया में कहाँ मिले, पैराबोडिया कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा एक्वेटिक एनेलिट मतलब नेरिस में मिलेगा पैराबोडिया। तो वन नंबर अपना क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया ये। कमिंग टू टू नंबर, ओबेलिया, ओबेलिया मेटाजेनेसिस, येस ओबेलिया इज अ सिलेंट्रेटर। तो इसमें क्या होगा, मेटाजेनेसिस मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन ओबेलिया में। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन दैट इज मेटाजेनेसिस ओबेलिया में, यस यहाँ देखने को मिलेगा। थर्ड में क्या दिया है कि क्रोकोडाइल, फोर चैम्बर्ड हार्ट, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दो क्रोकोडाइल कहा, रेप्टाइल्स में पाया जाएगा, क्रोकोडाइल इज ए रेप्टाइल, बट रेप्टाइल में थ्री चैम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडाइल इज ए एक्सेप्शन। इसमें क्या होगा, फोर चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। देन फोर में क्या दिया है कि लेमर, फोर्थ में दिया है कि लेमर एंड थीकोडंट, यस लेमर इज एक्चुअली मेमल, दिस इज एक्चुअली एंडेमिक स्पेशीज ऑफ द आइलैंड मेडागास्कर। तो इसमें थीकोडोंट डेंटिशन, एक्चुअली थीकोडोंट इज अ काइंड ऑफ डेंटिशन, और लेमर में थीकोडोंट डेंटिशन मिलेगा, इसको आप याद रख सकते हैं। तो फोर्थ भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमें करेक्टली मैस, करेक्टली मैस तो कौन सा हो गया, करेक्टली मैस सेकेंड, थर्ड एंड अपना फोर्थ जो है क्या है, ये करेक्टली मैस। तो इससे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेस्पिरेशन इन रेप्टाइल्स इज डन बाई। रेप्टाइल्स में क्या होता है, रेप्टाइल्स में वेल नोन है कि रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स, रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स इन रेप्टाइल्स। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। ओविपेरस मतलब एग लेइंग, मतलब इसमें क्या डायरेक्टली यंग वन का बर्थ नहीं होगा, मतलब एग से यंग वंस का बर्थ होगा। तो ओविपेरस क्या होगा, ओविपेरस लेट अस सी द ऑप्शन, फर्स्ट प्लेटिपस, प्लेटिपस इट इज सेक्सुअली ए मेमल बट इट्स एग लेइंग मेमल, तो एज एग लेइंग सो इट विल बी ओविपेरस। बी में क्या है, फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स बेट्स को कहा जाता है, बट बेट्स मेमल है, इसमें एग लेइंग प्रॉपर्टी नहीं होगा। देन सी में क्या है, इलेफेंट, इलेफेंट सभी को पता है कि ये मेमल्स है। देन डी व्हेल, व्हेल इज ऑल्सो मेमल। तो ओविपेरस इसका एक ही ऑप्शन है क्या, प्लेटिपस मतलब एग लेइंग मेमल जो है प्लेटिपस। तो इसका आंसर हो जाएगा, सो और करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स डिफर इन ओनली वन, विच इज इट। मतलब इसमें ऑप्शन दिया है कि एक ही ऑप्शन है जिसमें रेप्टाइल और बर्ड का डिफरेंट, मतलब जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट है रेप्टाइल और बर्ड के लिए, हमें वो कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट क्या है,
द स्किन पोजेस स्केल्स, स्किन पोजेस स्केल्स, जैसे कि हम जानते हैं कि स्केल्स रेप्टाइल्स में स्केल्स जरूर मिलेगा, और बर्ड्स का जो मतलब हिंडलिम्स है, और हाइंडलिम्स भी कहते हैं, हाइंडलिम्स में स्केल्स पाया जाएगा, तो ये तो सिमिलर हो जाएगा, बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों में स्केल्स मिलेगा, कहीं ना कहीं दोनों में स्केल्स मिलेगा, ये सही होगा। कमिंग टू ऑप्शन बी, दे ले एग्स, मतलब ओविपरस, हाँ सही है, रेप्टाइल्स और एप्स दोनों ही ओविपरस एनिमल होता है। देन सी क्या है, कैपेसिटी ऑफ लेइंग हार्ड शेल्ड एग्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ ऑफ देम ले एग्स कवर्ड विथ कैलकेरियस शेल, तो ये भी सही है, हार्ड शेल। देन ऑप्शन डी क्या है, देयर इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हाँ ये एक मतलब दोनों में कॉमन नहीं होगा, क्योंकि रेप्टाइल्स जो है दे आर और दे आर पोइकिलोथर्म्स, पोइकिलोथर्म्स, और इसको क्या कहते हैं, मतलब दे कैनॉट रेगुलेट, दे कैनॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज के मुताबिक ये दोनों, ये रेप्टाइल्स अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दे कैनॉट मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, तो इसको क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्म्स और पोइकिलोथर्मिक एनिमल कहते हैं, जो अपना कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता। बट बर्ड्स जो है, मतलब एप्स, एप्स और बर्ड्स, ये क्या होता है, दिस आर होमियोथर्म्स, होमियोथर्म्स, इसका मतलब क्या होता है, दे मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इसमें एक कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहते हैं, जो कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब एक्सटर्नल में कुछ भी हो, ये अपने आप के मतलब अंदर एक कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, होमियोथर्म, होमियोथर्म, इसको एक और नाम कहते हैं, मतलब कोल्ड, सॉरी वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है, जो कि अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, देयर इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर व्हिच इज नॉट कॉमन फॉर रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फोर चैम्बर्ड ऑफ हार्ट इज फाउंड इन, फोर चैम्बर्ड हार्ट कहाँ पाया जाता है, टर्टल, टर्टल रेप्टाइल्स है, और जनरली रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट, देन क्रोकोडाइल, यस क्रोकोडाइल इज ऑल्सो रेप्टाइल, बट क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन टू द रेप्टाइल इन हुई फोर चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, इट कॉन्टेंट फोर चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें क्या होगा, देयर विल बी टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल, सो एंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग, क्या दिया है, टर्टल्स एलिगेटर्स क्रोकोडाइल्स एंड फ्रॉग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रेप्टाइल्स, मतलब रेप्टाइल्स आइडेंटिफाई करना है, रेप्टाइल्स कौन कौन है, मतलब टर्टल्स होगा, इसमें एलिगेटर्स भी होगा, क्रोकोडाइल्स भी होगा, बट फ्रॉग जो है, फ्रॉग टर्टल नहीं होगा, सॉरी फ्रॉग रेप्टाइल नहीं होगा, फ्रॉग इज एम्फीबियन, तो जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर विल बी द वन कंटेनिंग वन टू एंड थ्री, व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, तो इसके लिए हम एक बार हम एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, तो एनसीईआरटी देखते हैं, तो एनसीईआरटी में अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इसमें दिया है कि क्रोकोडाइल इज एन एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल्स, देन टर्टल भी है, एलिगेटर, एलिगेटर भी रेप्टाइल ही है, तो करेक्ट आंसर वही होगा, एंड यहाँ पे टॉर्टोइस भी दिया हुआ है, जो कि सॉरी रेप्टाइल, सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैमिलियन क्रोकोडाइलस सीलोन एंड नाजा आर अंडर द क्लास ऑफ, तो कैमिलियन मतलब ये दिस ए रेप्टाइल दैट कैन चेंज इट्स कलर, तो ये रेप्टाइल ही है, एंड क्रोकोडाइलस इट मीन्स क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल इज ऑल्सो रेप्टाइल, एंड शिलोन, शिलोन इट कॉमनली इट्स कॉल टर्टल, दिस ऑल्सो रेप्टाइल, एंड देन नाजा, नाजा इज द नाजा जिसको हम कॉमनली कहते हैं कोबरा, नाजा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा, कोबरा इज ए स्नैक, कोबरा इज ए स्नैक, एंड स्नैक विल बिलोंग टू रेप्टाइल्स, सो ऑल दिस आर एग्जाम्पल ऑफ रेप्टिलिया, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, रेप्टिलिया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
टिम्पेनम रिप्रेजेंट इन रेप्टाइल, रेप्टाइल में क्या होता है, टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईआर, रेप्टाइल में भी स्पेशलाइज्ड ईआर और वेल डेवलप्ड ईआर नहीं होता है, जो टिम्पेनम जो है बस टिम्पेनम ही रिप्रेजेंट करता है किसको, ईआर को। तो इसको एक बार एनसीईआरटी भी देख लेते हैं कि मेंशन है इसमें, जैसे कि हम देख सकते हैं कि टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईआर, टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईआर इन विच रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में टिम्पेनम ईआर रिप्रेजेंट करते हैं। दस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ईयर, टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स व्हाट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम रेप्टाइल्स शो ऑटोटोमी विच मीन्स, तो ऑटोटोमी एक ऐसा प्रोसेस है मतलब जिसमें क्या होता है, एक एनिमल अपने ही बॉडी पार्ट को लूज कर देते हैं, जैसे कि कुछ लिजर्ड्स होते हैं, जैसे कि दिस इज द टेल ऑफ लिजर्ड, ओके दिस इज द टेल ऑफ लिजर्ड, सो आई एम एक्चुअली बैड एट ड्रॉइंग, सपोज दिस इज लिजर्ड। क्या होता है अगर कुछ मतलब जैसे कि डेंजर कंडीशन यानी कुछ प्रेडेटर आ जाए तो ये कहते हैं क्या करते हैं, इट कैन लूज इट्स टेल, सपोज इट कैन लूज इट्स टेल, इट विल बिकम लाइक दिस एंड द टेल विल लूज एंड अगेन व्हाट हैपेंस, दिस टेल विल रीजेनरेट, इट कैन रीजेनरेट अगेन टू द होल टेल। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ऑटोटोमी, ऑटोटोमी। क्वेश्चन क्या है, सम रेप्टाइल शो ऑटोटोमी व्हिच मीन्स, तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इट विल वॉलेंटरी ब्रेकिंग टेल टू कन्फ्यूज इनेमी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, मतलब वॉलेंटरी ब्रेकिंग ऑफ टेल टू कन्फ्यूज इनेमी, मतलब ये खुद से, वॉलेंटरी मतलब क्या होता है, खुद से, मतलब ये रेप्टाइल क्या करेगा, खुद से अपना टेल को लूज कर देगा और क्या ब्रेक कर देगा ताकि अपने मतलब जो इनेमी है इनेमी को चकमा दे सके और कन्फ्यूज द इनेमी। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट वॉलेंटरीली ब्रेकिंग इट्स टेल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन लिजर्ड इज, तो गार्डन लिजर्ड इट्स रेप्टिलिया और ये किसका कॉमन नाम है, कैलोट्स, कैलोट्स को कॉमनली गार्डन लिजर्ड्स कहते हैं। तो इसको एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं हम, यस एज वी कैन सी कैलोट्स और व्हाट, गार्डन लिजर्ड, सो द आंसर विल बी बी कैलोट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन, यूरिकोटेलिज्म मतलब इज अ प्रोसेस इन व्हिच एनिमल गेट रिड ऑफ देयर मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, और दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस कहाँ होगा, मतलब जहाँ वाटर स्कैरसिटी होगा, मतलब द एनिमल और टेरेस्टेरियल एनिमल में यूरिकोटेलिज्म शो होगा क्योंकि यूरिक एसिड इज लेस टॉक्सिक एंड इट नीड्स लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। तो अभी ऑप्शन से देखने को मिलता है कि बर्ड्स, लैंड रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट, ये सारे क्या होता है, टेरेस्टेरियल होता है जिनमें वाटर इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो दिस एनिमल विल यूज यूरिक एसिड टू गेट रिड ऑफ देयर मेटाबॉलिक वेस्ट, सो दे विल बी यूरिकोटेलिक एंड दिस प्रोसेस इज यूरिकोटेलिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी, बिकॉज बर्ड्स, लैंड रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स शो यूरिकोटेलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डिरेक्ट, मतलब इसमें क्या है, डिरेक्ट डेवलपमेंट एंड ओविपेरस। अब ओविपेरस, ओविपेरस का मतलब क्या होता है, एनिमल्स डेट ले एग्स, व्हाट, दे ले एग्स, अब दे ले एग्स, ओविपेरस, ओविपेरस है मतलब ये एम्फीबियंस भी हो सकते हैं क्योंकि एम्फीबियंस भी ओविपेरस है, एम्फीबियंस ये भी हो सकते हैं, दिस कैन बी रेप्टाइल्स टू, ठीक है, बट नेक्स्ट कैरेक्टर क्या दिया है, डेवलपमेंट इज डिरेक्ट, बट एम्फीबियंस में डिरेक्ट नहीं होता है, डिरेक्ट विल बी ओनली रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में क्या होता है, डिरेक्ट डेवलपमेंट, सो ओविपेरस एंड डिरेक्ट से क्या इंडिकेट होगा, रेप्टाइल्स, मतलब ओविपेरस डेवलपमेंट एंड डिरेक्ट डेवलपमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, रेप्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेप्टाइल्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, मतलब रेप्टाइल्स का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें क्या होता है, पुराना जो स्किन होता है और स्केल्स होता है वो क्या होता है, टाइम टू टाइम दे गेट शेड एंड न्यू स्किन गेट जेनरेटेड इन देयर एंटायर बॉडी। तो
यह प्रोसेस कहाँ मिलेगा? स्नैक्स में मिलता है, लिजर्ड्स में मिलता है, आफ्टर ऑल कुछ रेप्टाइल्स में यह प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन से ये क्लियर होगा कि ये ऑप्शन, ये प्रोसेस कहाँ मिलेगा? स्नैक्स में भी मिलेगा और लिजर्ड्स में भी मिलेगा। तो इससे क्या आ गया अपना करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मीन्स बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीपिंग और लोकोमोशन इज फाउंड इन, क्रीपिंग लोकोमोशन कहाँ मिलेगा? क्रीपिंग ये मिलेगा एक्सक्लूसिवली ये रेप्टाइल्स में मिलेगा, क्रीपिंग और क्रॉलिंग टाइप, इट मीन्स क्रीपिंग और क्रॉलिंग टाइप, क्रीपिंग और क्रॉलिंग टाइप का लोकोमोशन कहाँ मिलेगा? दिस विल फाउंड ओनली इन रेप्टाइल्स। सो लेट अस हैव अ लुक टू द एनसीईआरटी फर्स्ट। यस, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, व्हाट क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन कहाँ मिला ये? रेप्टाइल्स में। सो द करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी, रेप्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्टली मैच्ड पेयर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, मतलब हमें करेक्टली मैच्ड पेयर देखना है जहाँ कि मतलब जिसमें एक्सेप्शन ना हो। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन्ड्रेक्थिस, कॉन्ड्रेक्थिस क्या दिया है कि कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। हाँ ये सही है, सही स्टेटमेंट है, कॉन्ड्रेक्थिस क्या होता है जिसमें कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन मिलेगा, तो ये सही है। नेक्स्ट क्या है, रेप्टिलिया, इसमें क्या दिया है कि थ्री चैम्बर्ड हार्ट विथ अनडिवाइडेड वेंट्रिकल। सो रेप्टाइल्स में इन जनरल तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट देयर इज एक्सेप्शन, दैट इज क्रोकोडाइल। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन टू रेप्टिलिया, जिसमें क्या होता है, इट हैज़ फोर चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट जिसमें क्या होगा, टू ओरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स। इसमें क्या होगा, ओरिकल तो डिवाइडेड जनरली सभी रेप्टाइल्स में होता है, इसमें क्या होगा क्रोकोडाइल में स्पेशली जो वेंट्रिकल है वो भी डिवाइडेड होगा, मीन्स ओरिकल तो दो हो गया, लेफ्ट ओरिकल राइट ओरिकल, वेंट्रिकल्स भी दो हो जाएगा, क्या लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है और क्वेश्चन में क्या बोला है कि विदाउट एनी एक्सेप्शन। कमिंग टू ऑप्शन सी, मेमिलिया वीविपेरस, मेमिलिया जनरली वीविपेरस होता है, मतलब दिस गिव राइज टू यंग वन डायरेक्टली विदाउट एनी, विदाउट द फॉर्मेशन और लेइंग ऑफ एग्स। मेमल में क्या होता है, वीविपेरस, मेमल्स आर वीविपेरस, वीविपेरस, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, मेमल्स का एक्सेप्शन क्या है, प्लेटिपस। सो प्लेटिपस, प्लेटिपस इज एन एक्सेप्शन टू मेमल इन हुइस और दे लैक एग्स। प्लेटिपस क्या होता है, एग लेइंग मेमल। सो मेमल्स में भी एक्सेप्शन आ गया अपना, तो ऑप्शन सी विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। फिर आ गया क्या, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा हैव माउथ विथ ए लोअर एंड अपर जॉ, यस दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज कॉर्डेट में क्या होता है, कॉर्डेट्स में आ जाएगा क्या, जॉलेस एनिमल कुछ आ जाएगा जैसे कि साइक्लोस्टॉम्स, साइक्लोस्टॉम्स क्या होता है, दे आर जॉलेस, दे आर कॉर्डेट बट जॉलेस, इसमें जॉस प्रेजेंट नहीं होगा, जॉस एब्सेंट होगा, तो ऑप्शन डी भी अपना इनकरेक्ट हो गया। सो द एंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, डेट कॉन्ड्रेक्थिस कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन विदाउट एनी एक्सेप्शन। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होगा? रेप्टाइल्स में गिल्स तो नहीं होगा, एपिडर्मिस भी नहीं होगा क्योंकि रेप्टाइल्स का एपिडर्मिस क्या होता है, वो हार्ड होता है, और तो एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से रेस्पिरेशन तो पॉसिबल है नहीं। स्किन भी बहुत हार्ड होता है विथ स्केल्स एंड स्क्यूल्स, तो ये भी नहीं होगा। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, लंग्स, क्योंकि रेप्टाइल्स में लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होगा। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स डैट गेट मोस्ट अफेक्टेड बाई द चेंजेस इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल टेम्परेचर आर, मतलब एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ एनिमल्स में फ़र्क पड़ेगा इन एनिमल्स में। तो
जैसे कि जानते हैं हम, दो काइंड ऑफ एनिमल होता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल. फर्स्ट इज जो एक्सटर्नल कंडीशन के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं, जैसे कि पोइकिलोथर्म्स जो है, पोइकिलोथर्म्स. पोइकिलोथर्म्स एनिमल में क्या करते हैं ये लोग, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंजेस आ गया, जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या कम हो गया, इसके हिसाब से ये क्या करते हैं अपना इंटरनल बॉडी जो है, अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी वेरी कर सकते हैं. एंड दूसरा टाइप का एनिमल क्या होता है, जो ये होता है कोल्ड ब्लडेड. एनादर जो होता है वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड जिसको हम होम्योथर्म भी कहते हैं, होम्योथर्म, होम्योथर्म्स, इसको पोइग्लोथर्म्स एंड दिस इज होम्योथर्म्स. होम्योथर्म्स क्या होता है, वार्म ब्लडेड. दे मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मतलब इनमें क्या होता है, बाहर कितना भी चेंज आए, कितना भी कुछ हो, इनके अंदर क्या होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो क्या होता है, मेंटेन करते हैं. तो इससे हम ये कंक्लूशन ला सकते हैं कि बाहर अगर कुछ चेंज आ गया तो फ़र्क किसको पड़ेगा, होम्योथर्म जो है मतलब वार्म ब्लडेड, इनमें तो कुछ चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये लोग अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो होम्योथर्म में कुछ चेंज नहीं आएगा. बट जो पोइक्लोथर्म्स है यानी कोल्ड ब्लडेड, इसमें चेंज आएगा क्योंकि इसको अपना इंटरनल टेम्परेचर और इंटरनल कंडीशन भी चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ गया और द एनवायरनमेंट टेम्परेचर इज चेंज्ड, देन पोइक्लोथर्म्स विल गेट इफेक्टेड. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पोइक्लोथर्म्स. वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट रेप्टाइल्स आर क्या होता है, एमोनोटोलिक. नहीं, एमोनोटोलिक नहीं होगा क्योंकि एमोनोटोलिक वो एनिमल होता है जो एक्सक्लूसिवली पानी में रहते हैं, क्योंकि एमोनिया जो है वो टॉक्सिक है, इसका एक्सक्रेशन के लिए हमें ज़्यादा पानी चाहिए. तो रेप्टाइल्स एमोनोटोलिक नहीं होगा. देन आता है क्या, यूरियोटेलिक. यूरियोटेलिक, सो यूरियोटेलिक भी क्या होता है, जो इसमें भी पानी का ज़रूरत है पर ज़्यादा नहीं. यूरियोटेलिक एनिमल्स यूज लेस वाटर. सो बाकी ऑप्शन भी पहले देख लेते हैं. कुछ रेप्टाइल्स में, हाँ, जो जो रेप्टाइल पानी में रहते हैं उसमें उसमें जो है यूरियोटेलिक हो जाएगा. यूरियोटेलिक कैन बी कैरीड आउट इन द रेप्टाइल्स दैट लिव्स इन वाटर. सी में क्या दिया है कि यूरियोटेलिक ओवर लैंड. नहीं, लैंड रेप्टल्स में यूरियोटेलिक नहीं होगा क्योंकि लैंड रेप्टल्स में पानी ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि वो लैंड में रहते हैं, तो पानी का स्कैर्सिटी होगा. तो पानी का स्कैर्सिटी होगा तो दे विल गेट रिड ऑफ देयर एलिमेंट्री मेटाबॉलिक वेस्ट थ्रू यूरिक एसिड. यूरिक एसिड के द्वारा मेटाबॉलिक वेस्ट से मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर कर देगा, जो कि मतलब यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक फीचर है. तो लैंड रेप्टल्स है, लैंड रेप्टल्स क्या है, यूरिकोटेलिक. तो यूरियोटेलिक लैंड रेप्टल्स नहीं होगा. देन ऑप्शन डी में है यूरिकोटेलिक. इसमें भी कुछ मेंशन नहीं किया है कि जो ये लैंड रेप्टल्स है या एक्वेटिक. तो इसका आंसर एक्चुअली हो जाएगा क्या, बोथ हो जाएगा, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, क्योंकि रेप्टाइल्स जो होता है, रेप्टाइल्स, हाँ, जो लैंड रेप्टाइल्स होगा, लैंड लैंड रेप्टाइल्स में क्या होगा, यूरिकोटेलिक. एंड एक्वेटिक जो रेप्टाइल्स है, एक्वेटिक रेप्टाइल्स में क्या होगा, यूरियोटेलिक. तो इसका आंसर बोथ हो जाएगा, बोथ, बोथ बी एंड डी. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्राई कॉनिफाइड स्किन एलोंग विथ एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूल्स फाइंड इन. सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसका है, रेप्टाइल्स का है. रेप्टाइल्स का जो स्किन होता है वो कॉनिफाइड मतलब कांटेदार होता है. तो और इसका एपिडर्मल स्केल्स मिलेगा, स्क्यूट्स मिलेगा. तो ऑल दिस कैरेक्टर्स आर इज ऑफ रेप्टाइल. और इसमें रेप्टाइल का एग्जाम्पल कौन सा है, हमें ये देखना है. इसमें डायरेक्टली नहीं लिखा है कि रेप्टाइल या एम्फीबियन, इसमें क्या है, ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शंस मतलब एग्जाम्पल दे दिया है. एग्जाम्पल रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल कौन होगा, टॉर्टोइस. टॉर्टोइस जो है वो है रेप्टाइल है. एंड ऑल द क्वेश्चन कैरेक्टर्स मेंशन इन द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाइंग रेप्टाइल्स. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, टॉर्टोइस. टॉर्टोइस ऑप्शन नंबर ए. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following pairs of animals has non-glandular skin? तो नॉन ग्लैंडुलर स्किन, नॉन ग्लैंडुलर स्किन किस एनिमल में पाया जाएगा? नॉन ग्लैंडुलर स्किन विल बी प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स, और इस ऑप्शन में रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स ऑप्शन बी में ही है, कैमिलियन एंड टर्टल, बोथ दिस एग्जाम्पल आर ऑफ रेप्टाइल, बट ए में क्या दिया है? स्नैक एंड फ्रॉग, फ्रॉग तो एम्फीबियन हो जाएगा, और सी में क्या है? फ्रॉग एंड पिजियन, पिजियन इज एप्स जिसमें कि ग्लैंड मिलेगा, देन डी में आएगा क्रोकोडाइल एंड टाइगर, टाइगर में भी ग्लैंड मिलेगा, तो बी में क्या है? कैमिलियन एंड टर्टल जिसमें कि ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होगा, जिस एग्जांपल है किसका? रेप्टाइल्स का. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज दिस एनिमल्स आर रेप्टाइल एंड रेप्टाइल डू नॉट हैव एनी ग्लैंडुलर स्किन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन नेम ऑफ कैलॉट्स वर्सिकोलोरिस. कैलॉट्स वर्सिकोलोरिस द कॉमन नेम ऑफ कैलॉट्स वर्सिकोलोरिस एक्चुअली रेप्टाइल, जिसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है गार्डन लिजर्ड. तो कैलॉट वर्सिकुलर इज कॉमन नेम ऑफ गार्डन लिजर्ड. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनिमल हुइच इज ए पोइक्लियोथर्म. पोइक्लियोथर्म मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एनिमल्स दैट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो पोइक्लोथर्मिक एनिमल क्या होता है? एग्जाम्पल क्या है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सारे पोइक्लोथर्म्स है. तो अभी हम ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन में ए बी सी में क्या है? बेलेनोप्टेरा, इट इज मैमल. देन क्या है सी नंबर में है? शिलोन. शिलोन मतलब इज अ कॉमन नेम ऑफ टर्टल. शिलोन का कॉमन नेम क्या है? टर्टल. एंड टर्टल इज रेप्टाइल्स. तो इसमें क्या होगा? दिस इज कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्म. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी, शिलोन. क्योंकि टेरोपस, टेरोपस मीन्स क्या? फ्लाइंग फॉक्स और बेट्स, ये क्या है? मैमल. देन एपेनोडाइट्स, एपेनोडाइट्स भी क्या है? एपेनोडाइट्स इज एप्स. तो इसमें भी क्या होगा? पोइक्लोथर्म नहीं होगा. ये भी एपेनोडाइट्स, ये भी वार्म ब्लडेड होगा. टेरोपस भी वार्म ब्लडेड. एंड बेलेनोप्टेरा, ये भी वार्म ब्लडेड. सो कोल्ड ब्लडेड क्या है? शिलोन. तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिम्स आर प्रेजेंट इन, एंड ऑप्शंस आर ऑस्टिक्थिस. ऑस्टिक्थिस क्या है? ऑस्टिक्थिस आर बोनीफिशस. बोनीफिशस में लिम्स तो नहीं होगा, इसमें क्या होगा? स्केल्स मिलेगा लेकिन लिम्स नहीं मिलेगा. ऑप्शन बी है कॉन्ड्रेक्थिस. कॉन्ड्रेक्थिस क्या है? कॉन्ड्रेक्थिस आर कार्टिलेजिनियस फिशेस, इसमें भी लिम्स एब्सेंट होगा. देन वी हैव ऑप्शन सी रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स क्या है? रेप्टाइल्स में लिम्स मिलेगा. तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रेप्टाइल्स विच विल हैव लिम्स. देन डी क्या है? यूरोकॉर्डेट्स. यूरोकॉर्डेट्स में भी लिम्स नहीं मिलेगा. वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोइक्लोथर्म हैविंग फोर चैम्बर्ड हार्ट. अब पोइक्लोथर्म, पोइक्लोथर्म मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल. ये क्या हो सकता है? एम्फीबियंस भी हो सकता है, रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं, बट इसमें और एक कैरेक्टर दिया है कि फोर चैम्बर्ड हार्ट. फोर चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट, पोइक्लोथर्म एक ही है, मतलब क्रोकोडाइल ही है. क्रोकोडाइल होगा, क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, बट रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन जिसमें क्या? फोर चैम्बर्ड हार्ट होगा. तो मतलब क्रोकोडाइल एक ऐसा एनिमल है जो कि पोइक्लोथर्म्स भी है एंड फोर चैम्बर्ड हार्ट भी है. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्रोकोडाइल. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड एंड टू ओरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल इन. थ्री चैम्बर्ड हार्ट विथ टू ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? दिस इज फाउंड इन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. तो रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में क्या मिलता है? थ्री चैम्बर्ड हार्ट मिलता है विथ टू ओरिकल्स एंड वन वेन. ऑप्शन में क्या दिया है? ए है रेप्टाइल्स, बी एफ्स, सी एम्फीबियंस एंड डी ऑल ऑफ द अबव. तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट कहाँ कहाँ मिलेगा? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी. वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकोंडाइलिक स्कल एलोंग विथ 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इज फाउंड. तो डाइकोंडाइलिक स्कल मतलब
एक ऐसा टाइप का स्कल जिसमें ओसीपेटल कॉन्डाइली का नंबर 2 होगा, एंड और क्या है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स भी 10 पेयर है, तो डाइकोंडाइलिक स्कल एंड 10 क्रेनियल नर्व्स दिस इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एम्फीबिया, ये दोनों एम्फीबियंस का कैरेक्टर्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीबिया होगा, क्योंकि मैमल जो है मैमल में भी डाइकोंडाइलिक स्कल है, लेकिन मैमल में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मिलेगा, और रेप्टाइल्स में क्या होगा, रेप्टाइल्स में मोनोकोंडाइलिक स्कल मिलेगा, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी एम्फीबिया, एम्फीबियंस में क्या है, डाइकोंडाइलिक स्कल एंड 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वंस अगेन।